नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे मनी हाइस्ट कोरिया के बारे में। इसका पूरा नाम है मनी हाइस्ट कोरिया ज्वाइंट इकोनॉमिक एरिया। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज है, ये एडेप्टेशन है मनी हाइस्ट का और हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहां मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर हलचल की जानकारी। तो दोस्तों स्टोरी लाइन वही है, यहाँ भी एक प्रोफेसर आपको दिखते हैं जो कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और इनका प्लान है मिंट में घुसकर 4 ट्रिलियन वॉन की चोरी करने का। तो किस तरह से ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या इनके साथ होता है, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज में जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, इस सीरीज को कोरिया की सीरीज बनाने की कोशिश की गई है। जैसे हमने मनी हाइस्ट में देखा था कि वहाँ इकोनॉमिक स्लोडाउन और बेरोजगारी की बात की जा रही थी, यहाँ जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ कोरिया के एकीकरण की बात हो रही है, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक करने की कोशिशें दिखाई जा रही है और इन्हीं कोशिशों के तहत कुछ संस्थाएँ बनाई जाती है जिसमें से कि ये एक मिंट है जहां अब चोरी होने वाली है। और दोस्तों यहां जो ऑपरेशन है पुलिस का वो भी ज्वाइंट ऑपरेशन है, दोनों देशों की पुलिस मिलकर के अभियान चलाती है। इसके अलावा दोस्तों जो कैरेक्टर्स हैं वो वही हैं, उनके नाम भी वही हैं, प्रोफेसर बर्लिन, रियो, टोक्यो वगैरह, लेकिन इनकी जो पृष्ठभूमि है, इनकी जो कहानी है वो थोड़ी अलग रखी गई है। खास करके बर्लिन की जो कहानी यहाँ दिखाई गई है वो आपको इम्प्रेसिव लगती है। और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है मास्क का। स्पेन वाली सीरीज में आपने देखा था कि डाली मास्क वहाँ दिखाया गया था, इस बार जो मास्क है वो कोरियन मास्क है, वहाँ का एक ट्रेडिशनल मास्क है जो कि वहाँ के नृत्य वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या इन बदलावों के बावजूद ये सीरीज बेहतर बन पड़ी है, तो इस सवाल का जवाब है नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ बहुत सारी चीजें सिमिलर रखी गई हैं, लेकिन इसके बाद भी ये सीरीज उतनी ज्यादा प्रभावशाली मुझे तो नहीं लगी। देखिए एक तो ये कि ये सीरीज स्लो बहुत चलती रहती है, हालांकि घटनाएं इसमें होती हैं लेकिन बाद के एपिसोड में आप थोड़ी रफ्तार देखते हैं। दूसरा कि यहाँ कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा टोन डाउन कर दिया गया है। प्रोफेसर का कैरेक्टर भी यहाँ आपको कई बार बेचारा जैसा लगता है जैसे अपनी टीम पर उसकी पकड़ ही नहीं है, या दूसरे कैरेक्टर का जो ऑरा है, जो स्वैग है, वो यहाँ बिल्कुल आप मिस करेंगे। इसके अलावा यहाँ थ्रिल भी बहुत कम आपको दिखता है, चाहे मिंट के अंदर की बात हो या जो पुलिस का कैंप है उसके अंदर जो एक थ्रिल होना चाहिए, जो एक द्वंद होना चाहिए, कश्मकश होना चाहिए, वो कमी आपको यहाँ दिखती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ों को थोड़ा अलग ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बात भी उतनी बनी नहीं। जैसे एक पुलिस अधिकारी मिंट के अंदर आते हैं और उनके चश्मे के साथ एक खेल हो जाता है, तो यहाँ जो खेल है वो बहुत ही साधारण किस्म का आपको दिखता है। जब प्रोफेसर जब पुलिस अधिकारी की माँ से मिलते हैं तो वो जो दृश्य है वो यहाँ चीज़ें दिखती ही नहीं आपको, या अगर दिखती भी है तो थोड़ा कम ही असरकारक, थोड़ा कम ही प्रभावशाली वो दिख रही है। दोस्तों अगर आपने ये सीरीज पहले देख रखी है तो आपके लिए यहाँ बहुत कुछ नया नहीं है, आपको सब कुछ पहले से ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि जो नए दर्शक हैं, जो पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं, उनको जरूर ही कुछ मजा आने वाला है, कुछ उनके लिए एक्साइटमेंट होने वाला है। तो दोस्तों अभी 6 एपिसोड आए हैं इस सीरीज में और एपिसोड लंबे हैं, 1 घंटे से अधिक वक्त के, तो मैं तो यही कहूंगा कि यदि आपने ये सीरीज पहले देख रखी है तो आपके लिए बहुत कुछ है नहीं, आपको उतना मजा नहीं आने वाला है। हालांकि जो लोग पहली बार देखेंगे उनके लिए कुछ बात है, लेकिन अगर आपको पहली बार ही ये सीरीज देखनी है तो आप असली सीरीज देखिए, जो स्पेन वाली सीरीज थी वो देखिए, क्योंकि असल तो असल होता है, बाप तो बाप ही होता है। और दोस्तों यदि बात करें पेरेंटल गाइडेंस की तो इस सीरीज में गाली गलौज भी है, सेक्स न्यूडिटी के सीन भी है। और दोस्तों यदि रेटिंग देखें तो जो नए दर्शक हैं उनके लिए रेटिंग हो सकती है 3.5 की, लेकिन जिन्होंने मनी हाइस्ट पहले से देख रखी है उनके लिए एवरेज या एवरेज से भी थोड़ा कम ही ये सीरीज बैठती है। दोस्तों आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा। यदि आपने ये सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।